नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर पर। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में, जिसे कुछ लोग वॉइस बोलते हैं, कुछ एक्टिव पैसिव बोलते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं हम वॉइस का मतलब क्या है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, वॉइस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का एक ऐसा रूप, वर्ब का एक ऐसा रूप जो हमें बताता है कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा है, काम को खुद कर रहा है या काम को करता है, या फिर सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया गया है, सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया गया है। देखिए, क्या बताना चाहता हूं मैं, जो वॉइस है ना, वॉइस क्या है, वॉइस एक वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है, वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है वो हमें बताती है कि जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है, वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो खुद किसी काम को करता है या फिर उस पर किसी काम को किया जाता है। कैसे, ये समझिए। देखिए, सिंपल सा सेंटेंस है कि जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, और दूसरा मैंने लिखा आम को खाया जाता है, आम को खाया जाता है। देखिए, दोनों के अंदर क्रिया क्या है, क्रिया ये खाना, लेकिन इसके अंदर इस काम को करने वाला कौन है, राम, तो ये क्या सब्जेक्ट है, यानी कि इस क्रिया का सब्जेक्ट क्या है, ये है, और ये सब्जेक्ट क्या है, इस काम को कर रहा है, बात समझ रही। लेकिन देखिए, इस क्रिया का सब्जेक्ट क्या है, आम, क्या भाई आम खुद को खा सकता है, क्या आम खा सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे जो इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। अभी मैंने क्या बताया था, वही तो मैंने बताई थी कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर काम किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट अपना था राम, अब राम खुद क्या काम कर रहा था आम को खाने का, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट अपना आम है, क्या आम खुद काम कर सकता है, क्या नहीं, आम पर खुद पर काम किया गया है, इतनी बात समझ आई। अब देखिए, सब्जेक्ट के संदर्भ में हम समझते हैं कि वो इस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है, क्या हमेशा वही सब्जेक्ट होता है, क्या जैसे मैंने बोला कि राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है, राम नहाता है, राम पढ़ाता है, राम पढ़ता है, ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा हो कि आम खाया जाता है, स्कूल जाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, खाना पकाया जाता है, क्या यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या नहीं है, डूअर नहीं है। अब थोड़ा इस कंसेप्ट को समझिए, मैं एक्चुअली बताना क्या चाहता हूं। देखिए, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो, डूअर बोले तो किसी काम को करने वाला हो, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, किसी काम को करने वाला हो, और आपका सब्जेक्ट क्या हो, लिविंग हो, क्या हो, लिविंग हो, यानी कि सजीव हो, निर्जीव ना हो, तब आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्टिव, क्या होगा, एक्टिव वॉइस। क्या बताया मैंने कि जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो, लिविंग हो, तब आपका सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव, और जब आपके सब्जेक्ट क्या हो, डूअर ना हो, यानी कि काम को करने वाला ना हो, काम उस पर किया गया हो, यानी कि रिसीवर हो, क्या हो, एक्शन को रिसीव करता हो, एक्शन को रिसीव करता हो, और वो क्या हो, नॉन लिविंग हो, क्या हो, नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव हो, तब आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा पैसिव का, किसका होगा, पैसिव का, बात समझ में आई क्या। इस तरह से हमने क्या समझा कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस के अंदर वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो डूअर होगा, वो क्या होगा, डूअर होगा, वो क्या होगा, वो लिविंग होगा, क्या होगा, वो लिविंग भी होगा। मैंने क्या बताया आपको कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो डूअर होगा, वो लिविंग होगा, लेकिन अगर बात करें पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की तो वो क्या होगा, वो रिसीवर होगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, बात समझ आई। अब एक एग्जांपल देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नमन
कि द बॉल, नमन किक द बॉल, और दूसरा देखिएगा द बॉल वॉज किक्ड बाय नमन। देखिए पहला सेंटेंस का वर्ब क्या है, किक, और इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, नमन। देखिए ये जो नमन है, ये जो सब्जेक्ट है वाक्य का, क्या है ये सब्जेक्ट। अब देखिए क्या ये डूअर है क्या, किक मारने का काम किसको मारी, किक बॉल को, क्या किक मारने का काम नमन ने किया है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल है, यानी कि वो डूअर है, क्योंकि किक मारने का काम खुद नमन ने किया, तो वो डूअर है। अब देखिए लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये लिविंग भी है, ये क्या है, लिविंग भी है। और मैंने भी बताया था जब वाक्य का सब्जेक्ट, जब क्रिया का सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो और लिविंग हो, तब हमारा जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस क्या होगा, वो होगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, पास्ट में। अब देखिए ये वर्ब क्या है, इसके अंदर इस सेंटेंस में वर्ब है हमारी किक, ओके, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बॉल है, क्या है, बॉल। अब देखिए बॉल लिविंग है क्या, बॉल लिविंग है? नहीं है, बॉल क्या है, बॉल नॉन लिविंग है, बॉल क्या है, नॉन लिविंग है। अब देखिए एक्शन क्या है, किक मारना, क्या बॉल खुद को किक मार सकती है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या है कि किक किसने मारा है, किक तो मारा नमन ने है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है, किक मारने का काम किस पर हुआ है, बॉल पर, किक पड़ी किसको है, बॉल को पड़ी है, तो एक्शन था जो किक मारने का, उसे रिसीव किसने किया, बॉल ने, किसने रिसीव किया, बॉल ने, तो ये हमारा क्या है, रिसीवर। और अभी मैंने आपको बताया था जब एक क्रिया का सब्जेक्ट या फिर जब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या हो, नॉन लिविंग हो, क्या हो, रिसीवर हो, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। बात समझ भाई, एक चीज तो ये। अब देखिए इसके साथ एक चीज और मैं आपको क्लियर करता हूं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसे हम सो किससे करेंगे, बाय के साथ, यानी कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम सो करेंगे। और एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का वो बन जाएगा सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्या बताया मैंने कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए अब रह गई वर्ब, अब वर्ब देखिए, वर्ब जो होगी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब देखिए ये वी टू थी, ये क्या थी, वी टू, वी टू किसमें चेंज हो गई, वोज वर वी थ्री में, किसमें चेंज हो गई, वोज वर वी थ्री में, किसमें चेंज हो गई, वोज वर वी थ्री में। ये किस तरह से चेंज होती है ये मैं आपको बताऊंगा। अब हमें क्या समझना है, एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपका एक्टिव और पैसिव का दोनों का कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखिएगा कि एक्टिव में क्या चीज मिलेगी और पैसिव के अंदर हमें क्या चीज मिलेगी, जैसे ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। देखिए थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस हमेशा स्टार्ट किससे होता है, सब्जेक्ट से, किससे, सब्जेक्ट से, लेकिन पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से, किससे, ऑब्जेक्ट से। इसमें क्या टेंस के अकॉर्डिंग या टेंस के अनुसार मेन वर्ब आएगी, टेंस के अनुसार मेन वर्ब आएगी, लेकिन इसमें हमेशा टू बी प्लस वी थ्री आएगी, टू बी प्लस वी थ्री आएगी। अब ये टू बी क्या है, टू बी क्या है, टू बी को समझिए, टू बी है जो बी वर्ब है ना, बी की जो भी फॉर्म है, यानी कि इज एम आर वॉज वर बी बीइंग और बीइंग, ये सारी क्या है, ये बी की फॉर्म है, और ये फॉर्म हम पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म से पहले यूज करेंगे, तो आप सीधा इस तरीके से लिख लीजिएगा, बात समझ आई। लेकिन क्या होगा, एक्टिव के अंदर हमें टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी, बात समझ, कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूं। इतना क्लियर हुआ, अब देखिए आगे,
देखिए अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस बनेगा किसका। अब तक हमने क्या सीखा है कि जब हमारा सब्जेक्ट डूअर हो, जब हमारा सब्जेक्ट डूअर हो यानी काम को करने वाला हो, तब तो वाक्य हमारा होगा एक्टिव का। सब्जेक्ट है वो रिसीवर हो तब हमारा सेंटेंस क्या होगा पैसिव का। लेकिन अब हम देखते हैं क्या हर एक सेंटेंस पैसिव में हो सकता है क्या, क्या ये जरूरी है कि हर सेंटेंस पैसिव में हो सके। लेकिन देखिए एक चीज आपको बताता हूं कि वो ही सेंटेंस पैसिव में बनेगा जिसकी वर्ब क्या हो ट्रांजिटिव हो। यानी कि जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होगी वो ही सेंटेंस पैसिव में बनेगा। अब देखिए कैसे ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, वो वर्ब यानी कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट, वर्ब विद ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है उसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये सेंटेंस है दीज हॉर्स हॉर्सेस रन फास्ट, कि ये घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब देखिए क्रिया क्या है इनकी, क्रिया है रन और डूअर कौन है ये घोड़े दीज हॉर्सेस। फास्ट क्या है, फास्ट तो एडवर्ब है जो रन को डिस्क्राइब कर रही है। तो ऑब्जेक्ट है क्या इसके अंदर, नहीं है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सैंग ए सॉन्ग। अब देखिए इसके अंदर क्रिया क्या है, सैंग, करने वाला कौन ही, वह, उसने गाना गाया, उसने गाना गाया। तो देखिए उसने क्या गाया सॉन्ग, हमें जवाब मिल रहा है ना, ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। तो मतलब क्या है कि जिसका ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका क्या नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बात हमें क्या समझ में आई कि वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ वो ही वर्ब क्या कर सकते हैं हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी वो वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट ना हो जो इंट्रांजिटिव वर्ब हो उनका हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो एक्टिव का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो क्या होगा और पैसिव का सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा। ये देखिए एक्टिव पैसिव, दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यूज है कि हमारे जो रिटन नोट्स है जो हैंड राइट नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाइएगा, जो नोट्स है पैसिव वॉइस के वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं जनरल फॉर्मूला की। देखिए एक्टिव का हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, नहीं। लेकिन पैसिव किससे स्टार्ट होगा, पैसिव स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, और मेन वर्ब हमेशा क्या आएगी V3। लेकिन एक्टिव के अंदर जो मेन वर्ब है वो हमेशा टेंस के अनुसार आएगी, अगर कॉन्टिन्यूस है तो ING, परफेक्ट है तो V3, सिंपल है तो क्या है V1 या V2 आएगी वो टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन पैसिव के अंदर हमेशा मेन वर्ब क्या आएगी V3 ही आएगी, चाहे कोई भी टेंस हो, बात समझ आई। और उसके बाद क्या लगेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, बात समझ आई। क्या बना फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हम सीखते हैं कि पैसिव वॉइस कहां यूज होता है, कहां यूज किया जाता है पैसिव को, ये समझना जरूरी है। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, जब हमारा सब्जेक्ट हो ऑब्वियस, जब हमारा सब्जेक्ट नॉन हो, जब हमारा सब्जेक्ट वन हो या पीपल, जब हमारा सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट देन वर्ब, क्या बताया, जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्वियस यानी कि अस्पष्ट, ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्वियस हो, जब नॉन हो, वन हो, पीपल हो, या फिर जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो, उस वक्त हम किसका यूज करते हैं पैसिव का यूज करते हैं। कैसे, ये किस तरीके से, मैं आपको ये बताता हूं एग्जांपल से। जैसे पहला मैं ये लेता हूं कि
माय पर्स वाज स्टोलन। क्या बना? कि मेरा पर्स चुरा लिया गया। किसने चुराया? क्या हमें पता है? क्या स्पष्ट है? नहीं। क्या है ये सब्जेक्ट? हमारा ऑब्वियस है। जब हमारा काम करने वाला क्या था? ऑब्वियस था। ये मैंने पैसिव बनाया। एक्टिव इसका किस तरीके से बनेगा? एक्टिव इस तरीके से बनेगा कि समवन स्टॉल माय पर्स। कि समवन स्टॉल माय पर्स। किसने मेरा पर्स चुरा लिया? किसने चुराया? पता था हमें? नहीं पता था। तो इसकी बजाय ज्यादा जो महत्व दिया जाता है, जो चलन में है, वो ये है। वो इसका हम पैसिव यूज करते हैं कि माय पर्स वाज स्टोलन, ना कि हम ऐसे कि समवन स्टोल माय पर्स, ऐसे नहीं बोलते। बात समझ आई? अब देखिए नोन, कि जब हमारा सब्जेक्ट काम को करने वाला क्लियर हो। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए कि द थीफ वाज अरेस्टेड। द थीफ वाज अरेस्टेड। चोर को अरेस्ट कर लिया गया। तो बताइए कि चोर को किसने अरेस्ट किया होगा? क्या किसी डॉक्टर ने? क्या किसी वकील ने? क्या किसी आम आदमी ने? नहीं, चोर को अरेस्ट किया होगा पुलिस ने। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन था? पुलिस। तो पुलिस क्या थी? हमारे लिए नॉन थी। मान लीजिए किसी का हार्ट टूट जाता है, उसने बताया कि मैंने प्लास्टर करवाया, तो प्लास्टर वो किससे करवा के? क्या पुलिस से प्लास्टर करवा के है? क्या टीचर से प्लास्टर करवा के है? नहीं, वो डॉक्टर से करवा के है। तो उसके वहां पे डॉक्टर बिना बोले ही हम समझ जाते हैं कि प्लास्टर वो किससे करवा के है? वो डॉक्टर से करवा के है। ठीक इसी तरीके से इस सेंटेंस के अंदर चोर को पकड़ लिया गया, तो चोर को किसने पकड़ा ये बताए बिना भी हम समझ सकते हैं कि चोर को किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा। यदि बात क्लियर है, अब आगे देखिए कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? वन। जैसे देखिए कैसे वन कैन Do it easily। इसका मैं सीधा पैसे बनाता हूं एक बार। It can be done easily। देखिए कि कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। ये है एक्टिव। अब इसका पैसिव क्या बना है? कि इट कैन बी डन इजिली। इसे आसानी से किया जा सकता है। तो हमारी जो आम लाइफ है उसके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं बजाय इसके। बात समझे? अब देखिए पीपल से किस तरह से मैं यहां लिखता हूं कि पीपल स्पीक इन इंग्लिश का पैसिव बनाता हूं मैं इसका कि इंग्लिश इज स्पोकन। क्या बताया? पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग इंग्लिश बोलते हैं। और इसका पैसिव क्या बना? कि इंग्लिश इज स्पोकन। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? पीपल हो, वन हो। अभी मैंने आपको बताया कि हम उसको हटा करके बाकी जो बचता है उसे हम पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। या सीधा बोलूं कि जब पीपल है ये हमारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम क्या पैसिव के अंदर यूज नहीं करते। तो हमारा इतना ही पैसिव बना। आई बात समझ में? कि जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो आप देखिएगा आपको पैसिव के अंदर मिलेगी, लेकिन वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। किस तरह से? जैसे 20 पीपल किल्ड इन बस ट्रक एक्सीडेंट। जो वैज्ञानिकों के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर भी पैसिव का यूज होता है। किस तरह से? जैसे हिंदी में हम लोग बोल देते हैं कि लिक्विड लिया जाता है बोलते हैं, तो ये हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं? पैसिव ही बोलते हैं। किस तरीके से? देखिएगा, जैसे लिक्विड is taken into test tube। Liquid is taken into test tube की test tube के अंदर liquid लिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये भी क्या है? जो scientific जो experiment होते हैं, जो process होते हैं, वो भी हम passive के अंदर बनाते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो verb change है वो किस तरीके से होगा। ये देखिए, देखिए अब हम बात करते हैं वर्ब चेंज की। देखिए वर्ब के अंदर अगर आपको V1 या V5 मिलता है, यानी V5 बोले तो V1 के साथ जब S या इस मिलता है, तब हम उसे किस में चेंज करेंगे? HMR में। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए अगर हमें इसका नेगेटिव बनेगा, इसका नेगेटिव मिले, तो हम क्या करेंगे? डू डज नॉट हमें मिलेगा। अब डू डज नॉट को हम किस में चेंज करेंगे? HMR नॉट में। और पैसिव है, पैसिव के साथ आप याद रखिएगा कि कोई भी टेंस आपको मिले आपने V3 लगानी। क्या लगानी है? V3। आप देखिए
यहाँ भी V3 है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस के अंदर भी V3 है, परफेक्ट में भी V3 है, कोई मॉडल के साथ आप देखोगे तो वहां पे भी क्या है V3 है। तो ये बात आप क्लिक कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर कि जहां भी हम पैसिव की बात करेंगे तो V3 हमें लगानी है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूं सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस की, किसकी कॉन्टिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव कभी बनता नहीं है, चार टेंस होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चार का कभी भी क्या है कोई पैसिव नहीं बनेगा। अब देखिए हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब एक चीज देखिए, कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको मिलेगी आईएनजी फॉर्म, क्या मिलेगी आईएनजी फॉर्म। आपने क्या करना है, जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो आपको इजेमर मिलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो आपको वोजर मिलेगा। जब आपने इसे पैसिव में बनाना है तो आपने इजेमर वोजवर तो एज इट लगाना है, अगर प्रेजेंट है तो आपने इजेमर लगाना है, पास्ट है तो आपने वोजवर लगाना है। लेकिन उसके बाद जो आईएनजी फॉर्म है ना, इस आईएनजी फॉर्म की जगह हम क्या करेंगे, बी की जो आईएनजी फॉर्म है, जो बी की आईएनजी फॉर्म है वो हम लगाएंगे बीइंग, क्या लगाएंगे बीइंग, और बीइंग के फिर बाद हम क्या लगाएंगे V3। क्या बात समझ में आई, मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिले या फिर आपको मिले पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस, तब हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होगी, जैसे देखिए यहाँ पे इजे बार, तो यहाँ पे भी हमने इजे बार रखा है, यहाँ पे वोज वर है तो यहाँ पे भी हमने वोज वर रखा है, और देखो पैसिव है तो लास्ट में V3 तो हमें लगाना ही है, लेकिन इजे मार वोज वर के बाद हम क्या लगाएंगे बींग लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस हमें निरंतरता दिखानी है, निरंतरता दिखाने के लिए एक्टिव में तो हम सीधा क्या करते हैं आईएनजी फॉर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन पैसिव के अंदर हम क्या यूज करते हैं बीइंग यूज करते हैं। याद रखिए कभी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात चले और उसे पैसिव में बनाना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब वहां पे दे रखी है प्रेजेंट की या पास्ट की वो हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, और पैसिव है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा V3। तो अब देखिए यहाँ पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने क्या किया, इजे मार दिया था, इजे मार लगा दिया, आईएनजी है इसलिए हमने क्या किया बीइंग लगा दिया, और पैसिव था तो हमने क्या किया V3 लगा दिया। अब देखिए पास्ट का, पास्ट के अंदर हमें क्या मिला वोज वर्ब, तो हमने वोज वर्ब लगा दिया, यहाँ पे आईएनजी मिला, आईएनजी के लिए क्या लगाएंगे बीइंग, तो देखिए हमने बीइंग लगा दिया, पैसिव है तो हमने V3 लगा दिया। बात समझ आई, अगर नेगेटिव बना रहे तो नेगेटिव में क्या मिला हमें प्रेजेंट में, देखिए पहले इजेमार नोट मिला तो हम क्या करेंगे इजेमार नोट को एज इट रखेंगे, आईएनजी फॉर्म है तो हमें बीइंग लगाना पड़ेगा और फिर V3। बात समझ आई, अब नोट का देख लीजिए, नोट हमेशा अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब मिलती है आपको तो पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नोट आएगा, ठीक है। अब वोज वर्ब के अंदर देखिए, वोज वर्ब प्लस नोट कुछ नहीं हमने किया, वोज वर्ब प्लस नोट लगा दिया, आईएनजी फॉर्म है तो हमने क्या करना है बीइंग लगाना है, लगा दिया, पैसिव है तो V3 लगानी है। बात समझ आई, अब परफेक्ट को देखिए, परफेक्ट का क्या फंडा है, परफेक्ट के अंदर हमें जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हम वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन परफेक्ट में क्या होती है, परफेक्ट में V3 होती है, क्या होती है V3। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, मेन वर्ब जो हमारी है पैसिव के अंदर V3 आएगी, लेकिन अगर हैज हैव हैड के साथ हम सीधा V3 लगा देते हैं तो वो तो हो जाएगा एक्टिव का, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे पैसिव का दिखाने के लिए हमें बी की जो थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई बीन, क्या होती है बीन, हमें बी की थर्ड फॉर्म बीन लगानी पड़ेगी, कहां पे हैज हैव या हैड, हैज हैव या फिर हैड या फिर अगर फ्यूचर का भी हो विल हैव शैल हैव, उसके बाद हम क्या लगाएंगे बीन, फिर क्या लगाएंगे V3। बात समझ आ रही है कि अगर हैज हैव V3 करेंगे तो वो एक्टिव का रह जाएगा, लेकिन हमें बनाना क्या है पैसिव का बनाना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा हैज हैव हैड के जस्ट बाद क्या लगाना पड़ेगा बीन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बीन। बात समझ आई, अब देखिए किस तरह से, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता हैज हैव, तो हमने क्या किया हैज हैव लगा दिया, V3 इसके अंदर दे रखी है, अगर हम जिसके इसके बाद सीधा यहाँ पे भी V3 लगाते हैं तो हमारा वो एक्टिव का रह जाएगा, हमें क्या बनाना है पैसिव का। अब देखिए यहाँ पे V3 है तो हमें हैज हैव के बाद क्या लगाना पड़ेगा बीन लगाना पड़ेगा, तो हमने बीन लगा दिया, पैसिव है तो पैसिव के अंदर मेन वर्ब हमारी क्या आएगी V3। अब ये पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट का ये रहा, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड दिया है तो हम हैड लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब क्या है V3 है, मेन वर्ब क्या है V3 है, तो V3 है तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे बीन लगाएंगे, तो बीन लगा दिया, और अब बीन के बाद मेन वर्ब क्या आएगी V3। बात समझ आई, तो क्या सीखा हमने हैड प्लस V3 अगर हमें मिलता है तो हम उसे किस में चेंज करेंगे हैड बीन
वी थ्री के अंदर, और हैज एव वी थ्री मिलता है तो उसको किसमें चेंज करेंगे, हैज एव बीन प्लस वी थ्री के अंदर। अगर नेगेटिव बनाना नोट बनाना तो कुछ नहीं करेंगे, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है उसके बाद नोट लगा देंगे, फिर बीन प्लस वी थ्री कर देंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल शैल हैव वी थ्री कुछ नहीं करेंगे, विल शैल हैव एज इट रखेंगे, देखिए विल शैल हैव लिख दिया। अब हमें पैसिव बनाना है, मेन वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, तो देखिए बीन लगाए हुए, बीन लगाएंगे और बीन के बाद v3, इतनी बात समझ में आ रही है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल है, विल और शैल के बाद हम नोट लगा देंगे, लगा दिया। अब क्या था, हैव है, हैव के बाद हम बीन लगा के हैव बीन पूरा यहां पे रख देंगे, सॉरी यहां पे नहीं लिखा, लिख देता मैं हैव बीन प्लस v3। क्या लिखा हमने कि विल शैल का विल शैल आ गया, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल है इसलिए हमने नोट लगा दिया, उसके बाद क्या है, हैव लगा दिया, मैन वर्ब v3 है तो v3 से पहले हम बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बीन और फिर v3। तो क्या सीखा हमने कि जब विल शैल हैव हमें मिल जाता है तो विल शैल हैव को हम किस में चेंज करेंगे, विल शैल हैव बीन में, हम सिर्फ बीन ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ आई, क्योंकि परफेक्ट के अंदर हमने बीन ऐड करना है, कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने बीइंग ऐड करना है। अब देखिए हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए v2 को देखते हैं, जब हमें v2 मिलता है तो v2 को हम किस में चेंज करेंगे, ये साफ कर देता हूं मैं, v2 को हम किस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब में, किस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब में। v2 कौन से टेंस में आता है, सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट का नेगेटिव हमें बनाना तो क्या यूज करते हैं हम, डिड नॉट प्लस v1 का, किसका यूज करेंगे, डिड नॉट प्लस v1 का, और डिड नॉट प्लस v1 को हम किस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब प्लस नॉट के अंदर। बात समझ में आई। अब देखिए अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर में हमें क्या मिलता है, विल शैल प्लस वी वन, क्या मिलता है, विल शैल प्लस वी वन, तो विल शैल प्लस वी वन को हम किस में चेंज करेंगे, विल शैल का विल शैल लिखेंगे, प्लस अपनी तरफ से हमने बी लगाना है, क्या लगाना है, बी, और बी के बाद वी थ्री, पैसिव है तो वी थ्री आएगी, ठीक है। और नेगेटिव क्या बनेगा इसका, विल शैल के बाद लग जाएगा नॉट प्लस वी वन, कुछ नहीं हमने भी यही करना है, विल शैल का विल शैल लगा देंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही है तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी प्लस v3, यानी कि कोई भी मॉडल मिल जाए तो मॉडल के साथ हमने b लगाना है, ठीक है। अब देखिए मॉडल की स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, कोई भी मॉडल मिल गया और मॉडल के साथ हमें v1 मिलेगी तो हमने क्या करना है, उस मॉडल के जस्ट बाद b लगाना है और b के बाद v3। लास्ट देखिए अगर हमें मिल जाता है 2 प्लस v1, क्या मिल जाता है, 2, और 2 के साथ मिल जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब हम क्या करेंगे, 2 के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, 2 के जस्ट बाद हम b लगाएंगे और b के बाद हम v3 लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है वो देखिए, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर मिल जाता है आई, क्या मिलता है आई, सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा आई, और इसे अगर अपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या बनाएंगे मी, क्या बनाना है मी। अब देखिए वी अगर अब सब्जेक्ट के रूप में मिलता है और इसे अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनाएंगे अस, इसी तरीके से यू को यू, इट को इट। अब देखिए एक चीज देखिए आपने कि जो इट होता है और जो यू होता है ये क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, यानी कि ये बदलेंगे नहीं। अगर सब्जेक्ट के रूप में यू है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू, अगर सब्जेक्ट के रूप में इट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट, बाकी सब क्या चेंज हो जाएंगे। देखिए ही क्या बन जाएगा, हिम, शी, हर, दे, देम, बात समझ आई। अब ये इंटरचेंज है आपस में, अगर आपको देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना हो, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना हो तो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा मी, अगर इस मी को सब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या लिखेंगे आई, अगर आपको अस मिल जाए और अस को आपने सब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या लिखेंगे वी। यू और इट का तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिम को देखिए, अगर आपको एक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में हिम मिलता है तो पैसिव का जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में, हर, शी में, देम, दे के अंदर। एग्जांपल देखिए किस तरह से, जैसे देखिए ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है किक, किक का सब्जेक्ट क्या है ही, ऑब्जेक्ट क्या है मी, और हमें पता है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी मी है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी किस में चेंज हो जाएगा आई में, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा आई। अब मुझे क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने आपको देखिए यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो आ गया हमारा, यानी कि न्यू सब्जेक्ट।
अब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, देखिए मेन वर्ब क्या है, किक्ड, किक्ड क्या है, वी टू क्या है, वी टू, और वी टू किस में चेंज होगी, अभी मैंने बताया था वी टू होगी वॉज एंड वर में प्लस वी थ्री। ये सारा जो अभी मैंने यहां पे लिखा ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है, हमारे हैंडमेड नोट्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, वहां से आपको बिल्कुल ये जो नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ये डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझिए, समझने पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैनो के रूप में क्या है, किट किट क्या है, वी टू, और वी टू हम किस में चेंज करेंगे, वोज या वर में। अब देखिए आई के साथ क्या आएगा, वोज या वर, आई के साथ आएगा वोज, क्या आएगा वोज। इसके बाद वी थ्री, अब किक की वी थ्री क्या होती है, किक की होती है, अब हम क्या लगाएंगे बाय। अब हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, ही, लेकिन अब जो मेन वर्ब के बाद आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए इस ही को हम यहां पे लेके आएंगे तो ही क्या बन जाएगा भाई, हिम, क्या बन जाएगा, हिम। बात समझ आई कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आएंगे हम, तब दो ये वाला इधर वाला उधर और इधर वाला उधर, बात समझ आ रही है, यानी कि ये तो है सब्जेक्टिव केस, ये क्या है सब्जेक्टिव केस, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ये काम आएंगे, ये क्या है, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे। इतनी बात समझ आई, जब हमें प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, तब हम ये यूज करेंगे, और जब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, चाहे सेंटेंस हमारा एक्टिव का हो चाहे पैसिव का हो, तब हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, हमें क्या करना है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हिम को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का है भाई ये रहा, हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही। बात समझ आई, अब देखिए क्या है वी टू, वी टू किसमें चेंज करेंगे, वोज वर वी थ्री के अंदर, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वोज, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल। अब देखिए बाय लगाना है, और जब दे को हमने अब क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, देम, तो यहां पे क्या लिखेंगे, देम। इस तरीके से प्रोनाउन चेंज होगा, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं जो वर्ब की हमने बात की थी, किस तरह से वो एक्टिव वाली वर्ब पैसिव में चेंज होगी, अब ये समझिएगा। देखिए अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम, क्या लिखा बने, रमा टीच हिम, देखिए ये क्या, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है वर्ब, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म विद एस या ईएस, क्या है ये, फर्स्ट फॉर्म विद एस या ईएस है। देखिए अभी हमने सीखा है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या देखी थी हमने, अभी देखी थी ना, ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट। जब हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ही। अभी प्रोनाउन चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ही। अब देखिए ही के साथ क्या आएगा, इज एम या आर, ही के साथ आएगा इज, क्या आया इज। अब देखिए v3 लगानी है, क्या लगानी है v3, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, टॉट, क्या बन गई, टॉट। अब क्या लगाएंगे, बाय, बाय हमें अपनी तरफ से लगाना होगा, बाय प्लस डूअर। अब देखिए सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, रमा, तो रमा को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो यहां पे क्या आ जाएगा, नाउन है, तो नाउन तो एज इट ही आएगा रमा, तो क्या बना हमारा सेंटेंस, ही इज टॉट बाय रमा। आई बात समझ में, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव किस तरह से बनेगा, जैसे ये होता कि रमा सिंगुलर है तो डज आएगा, डज नॉट टीच हिम, तो क्या होता, देखिए ये सब्जेक्ट, ये एच वी, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आते क्या बन जाता है, ये ही, और ही के साथ क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, डज नॉट है, तो डज नॉट प्लस वी वन, ये रहा वी वन, इसको हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर नॉट प्लस वी थ्री में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इज, क्या लगाएंगे, इज, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, अब क्या लगाएंगे, वी थ्री, वी क्या है, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट प्लस बाय, और फिर एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ लास्ट में लेके आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, रमा, क्या बन गया हमारा सेंटेंस,
ही इज नॉट टॉट बाय रमा, टीच देम, रमा टीच देम, तब ये किस तरह से बनता, ऑब्जेक्ट देम क्या बन जाता हमारा, दे के साथ क्या आएगा इज एम या आर, आर दे आर, फिर वी थ्री टीच की थर्ड फॉर्म क्या बन जाती तो, क्योंकि हमें पता है टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट और थर्ड फॉर्म में क्या होती है टॉट, ऐसे में हमें इज एम आर के बाद क्या यूज करना है वी थ्री, अब हम क्या यूज करेंगे बाय, क्या यूज करेंगे बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रमा, रमा यहां आ जाएगा, बात समझ में आई, अब देखिए सॉरी यहां पे टीच होगा ठीक है, अब देखिए यहां पे हम इसका नेगेटिव बनाते हैं कि नेगेटिव किस तरह से बनेगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा कि यहां पे क्या दे देगा हमें ये रमा के साथ दे देगा डज नॉट टीच देम, रमा इसको हम किस तरह से बनाएंगे देखिए वही देम को हम दे ले आएंगे, डू डज नॉट प्लस वी वन है, डू डज नॉट प्लस वी वन को हम किस में चेंज करेंगे इन जगह नॉट में, तो क्या करेंगे आर के बाद हम क्या करेंगे नॉट लगा देंगे, फिर वी थ्री, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, इतनी बात समझ आई, अब हम कॉन्टिन्यूस को देखते हैं, देखिए कॉन्टिन्यूस के अंदर हमें क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूस हमें मिलेगा इज एम आर प्लस आई एन जी, और नेगेटिव में क्या मिलेगा इज एम आर नॉट प्लस आई एन जी, इसको हम क्या करेंगे इज एम आर प्लस बींग प्लस वी थ्री कर देंगे, और नेगेटिव बनाना तो हम क्या करेंगे नॉट प्लस बींग प्लस वी थ्री, बात समझ आई, अब एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, जैसे मैं देखता हूं एक्टिव के अंदर की रमा इज टीचिंग हिम, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है एक्टिव का रमा, ये क्या है एच वी, ये क्या है मैनुअल की आई एन जी फॉर्म, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव का सेंटेंस, इसे जब हम पैसिव में बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हिम है, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा ही, क्या बन गया ही, और ही के बाद क्या बनेगा देखिए क्या लगाएंगे हम इज, और आई एन जी फॉर्म है तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बींग, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा क्या चीज कि जब आई एन जी फॉर्म हमें मेन वर्ब के अंदर मिले तो हम चाहे प्रेजेंट हो जाए पास्ट हो हमें बींग लगाना ही पड़ेगा, बींग के बाद हम क्या करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब क्या है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अभी मैंने बताया था टोट, टोट टोट के बाद हम लगाएंगे बाय, बाय हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा ठीक है, बाय के बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो ले आएंगे, क्या है सब्जेक्ट रमा, क्या बन गया ही इज बींग टॉट बाय रमा, उसे रमा के द्वारा पढ़ाया जाता है, और एक्टिव में क्या बनता है रमा इज टीचिंग हिम, रमा उसे पढ़ा रही है, बात समझ आ रही है, अब देखिए अगर इसी के अंदर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वो किस तरह से बनता, देखिए अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता कि रमा इज टीचिंग अस, रमा इज टीचिंग अस, तो देखिए रमा क्या है रमा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, हमें पता है एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अस, तो हमने प्रोनाउन का जो चार्ट था उसके अंदर समझा था कि जब अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा वी, क्या बन जाएगा वी, अब देखिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमें इज दिया तो इसका मतलब क्या है कि इज एमआर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है वी, वी क्या होता है प्लूरल, तो वी के साथ क्या आएगा इज एम या आर, आर क्या आएगा आर, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे आर, अब देखिए मेन वर्ब क्या है आई एन जी, तब हमें क्या लगाना पड़ेगा बी की आई एन जी फॉर्म यानी कि बींग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बींग, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब आएगी मैन वर्ब, और पैसिव के अंदर मैंने आपको बताया हमेशा ही हम क्या यूज करेंगे वी थ्री यूज करेंगे, क्या करेंगे वी थ्री टोट टी ए यू जी एस टी, देखिए मैन वर्ब आपको आनी बहुत जरूरी है टोट, फिर हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे बाय, और बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो लगा देंगे हम रमा ठीक है, इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा कि हमें यहां पे क्या मिल जाता कि रमा इज नॉट टीचिंग अस, तो हम क्या करते जो हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है आर, तो हम आर के बाद नॉट लगा देते, क्या करते सब्जेक्ट, अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आई आर,
और आर के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, बाकी सेम ऐसे का ऐसा रहेगा। क्या होगा, आईएनजी फॉर्म थी तो हमें क्या लगाना पड़ता यहां पे, बीइंग लगाना पड़ता, बीइंग के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाती, टॉट, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। बात समझ आई, इस तरीके से क्या बन जाता, ये नेगेटिव बन जाता। ठीक इस तरीके से यहां पे भी नेगेटिव क्या बनता, इसके बाद यहां पे क्या आ जाता, नोट आ जाता। बात समझ आई। अब आगे देखिए हम बात करते हैं परफेक्ट की, परफेक्ट किस तरीके से पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। देखिए देखिए क्या करना है हमें, कि जब हमें एक्टिव में हैज है प्लस वी थ्री मिलेगी, जब हमें एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे वो कोई मॉडल हो, तो हमें क्या करना है, उस हेल्पिंग वर्ब को तो एज इट रखना है। जैसे यहाँ पे हमें हैज है मिला था तो हमने हैज है लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये अफर्मेटिव है तो हम क्या करेंगे, हमें हैज और हैव के बाद अपनी तरफ से बी की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन लगाना पड़ेगा और उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे वी थ्री। और अगर ये नेगेटिव होता, जैसे यहां पे है इसने क्या दिया, हैज हैव के बाद नोट दे दिया, तो हमने पता है कि हैज है तो हमें एज इट ऐसा ही यूज करना है। उसके बाद इसने नोट दिया है तो यहां पर भी हम नोट लगाएंगे। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट यहां पे वी थ्री लगा देंगे तो ये क्या एक्टिव ही रह जाएगा, लेकिन हमें बनाना क्या है, पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए हमें बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी जो होती है बीन। क्या होती है, बीन। तो बीन यहां पे लगाएंगे और मेन वर्ब की फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास हो जाए। अब एग्जांपल देखिएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रमा, हेल्पिंग वर्ब है आ गई और वर्ब क्या है, वर्ब इसके अंदर टोट आ गई, ऑब्जेक्ट मी आ गया। देखिए इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है रमा, वो लिविंग भी है और वो जो एक्शन है वो खुद कर रही है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव हो इसके अंदर। बात समझ आई। जब एक्टिव को वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या पैटर्न होता है भाई, अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा प्लस हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ये जनरल फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसे, आई में। बात समझ आई। अब हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या दिया इसने, हैज। ये हैज दिया था इसने रमा के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हमें आई के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हैव। अब देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव, अफर्मेटिव है तो इसका मतलब क्या कि नोट वगैरह तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैसिव में चेंज करना है तो हमें हैज हैव के साथ लगाना पड़ता है बीन। क्या लगाना पड़ता है, बीन। अगर हम बीन ना लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव में रहेगा, हमें बनाना पैसिव में, इसलिए हमें बीन लगाना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अब हम लगाएंगे वी थ्री, तो वी थ्री क्या है, टोट, ठीक है, टोट। अब क्या लगाएंगे हम, बाय। ये बाय हमें अपनी तरफ से लगाना है और बाय के बाद हम क्या करेंगे, जो लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसे हम उठा करके पैसिव वॉइस के न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहां पे रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या मिला हमारा, रमा। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है, टोट पढ़ाना, लेकिन यहां का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इस काम को कर नहीं रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है, वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। इस वजह से ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, पैसिव वॉइस। इतनी बात समझ में आई। अब इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव किस तरीके से होगा, देखिए पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं सिंपल आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इन्हें अंडरलाइन करके इन्हें लिख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, राजू सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमें स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी थ्री, बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। बात समझ आई। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे आगे ले जाकर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फूड। अब देखिए फूड के साथ क्या आएगा, हैज या हैव। देखिए फूड को हम सिंगुलर के अंदर कंसीडर करते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज ही लगाएंगे। अब इसके अंदर नोट लगा है तो हमें यहां पे भी नोट लगाना पड़ेगा, क्या लग गया, नोट। अब क्या लगाना पड़ेगा, पैसिव के लिए हमें बीन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बीन, और बीन के बाद हम लगाएंगे वी थ्री। वी थ्री क्या हमारी, इटन। अब क्या लगाएंगे हम, बाय। क्या लगाएंगे, बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट। तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या था, राजू, राजू को हम बाय के बाद लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा बाय प्लस राजू, इसे हम बोलते हैं बाय प्लस
एजेंट, क्या बोलते हैं बायस प्लस एजेंट, लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ बनाना सीखिए, बात समझे। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। देखिए सिंपल पास्ट में हमें क्या मिलता है, सिंपल पास्ट में हमें मिलती है वी टू, और वी टू को हम किस में चेंज करेंगे, वोज एंड वर्ब में, और पैसिव के अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वी थ्री। अगर हम बात करें सिंपल पास्ट के नेगेटिव की, तो नेगेटिव क्या बनेगा भाई इसका, डिड प्लस नॉट, और हमने सीखा है डू डज डिड के साथ हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब आती है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें वोज वर्ब तो लगाना ही है, प्लस हम क्या लगाएंगे नॉट, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है ये नेगेटिव होगा, तो नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे वी थ्री। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखता हूं कि ब्रिटनी सैंग ए सॉन्ग, ब्रिटनी सैंग ए सॉन्ग, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर हमारा, सब्जेक्ट है ब्रिटनी, ये सैंग क्या है वर्ब, और ए सॉन्ग क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है अभी मैंने आपको बताई थी, दोबारा आप बताइए, ऑब्जेक्ट एच वी वी थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारी क्या है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए सॉन्ग, तो सबसे पहले ए सॉन्ग लिख दीजिए, ए सॉन्ग। अब क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अब हमें मेन वर्ब देखनी पड़ेगी, मेन वर्ब क्या है V2 है, तो हमने सीखा कि V2 को हम किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब प्लस V3 में, तो ए सॉन्ग क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है वोज या वर्ब, वोज क्या आएगा वोज, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे वोज प्लस V3। तो सैंग आपको पता है सिंग की सेकेंड फॉर्म है, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंग सैंग सम, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे सम, ए सॉन्ग वोज संग। अब क्या आएगा बाय, अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ब्रिटनी, तो ये हमारा क्या बन गया पैसिव वॉइस, और ये हमारा क्या था एक्टिव वॉइस, बात समझ आई। तो देखिए क्या लिखा हमने, ए सॉन्ग वॉज संग बाय ब्रिटनी, बात समझ आई। अब इसके हम नेगेटिव की बात करते हैं कि नेगेटिव किस तरीके से होगा, क्या लिखा मैंने कि रवि डिड नॉट किक हिम, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट है रवि, ये आ गई एच वी, ये है मैन वर्ब, और ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और हमें क्या करना है पैसिव में बनाना है, पैसिव के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को मैं पैसिव का सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हिम है, हिम क्या बन जाएगा ही, क्या बन जाएगा ही। अब क्या आएगा देखिए डिड नॉट है, डिड नॉट को हम किस में चेंज करते हैं वोज वर्ब में, डिड नॉट को किस में चेंज करते हैं वोज वर्ब में, ही के साथ क्या आएगा वोज, क्या आएगा वोज। अब देखिए यहां पे नोट लगा तो हमें यहां पे भी नोट लगाना पड़ेगा, अब क्या लगाएंगे अब वी थ्री, वी थ्री क्या है किक, किक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी किक, हम ईडी लगा देंगे किक। अब क्या लगाएंगे बाय, क्या लगाया बाय, और बाय के बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है रवि, और रवि को हम अब एजेंट बना देंगे, तो यहां पर वो क्या बन जाएगा बाय रवि, बासन भाई ये देखिए इसके अंदर किक करने का काम कौन कर रहा था रवि, जो सब्जेक्ट है वो डूअर भी था, लेकिन यहां पे कौन है ही, ये डूअर नहीं है ये रिसीवर है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या है ये पैसिव वॉइस का, इतनी बात समझ भाई। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि वोज कहां आएगा और वर्ब कहां पे आएगा, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट हो आई ही शी इट या एनी सिंगुलर नाउन, तब तो हम किसका यूज करेंगे वोज का। अगर आपका सब्जेक्ट हो यू वी दे या एनी प्लूरल नाउन, तब हम किसका यूज करेंगे वर्ब का, बात समझ में आई। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। देखिए पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें क्या मिलता है हैड, क्या मिलता है हैड, और हैड के साथ हमें क्या मिलेगी वी थ्री, और नेगेटिव हो तो क्या बन जाएगा ये हैड प्लस नोट प्लस वी थ्री। देखिए इसका पैसिव क्या बनेगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब दी है, तो मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी है उसे आप एज इट लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वी थ्री है तो यहाँ पे हमने क्या लगाना पड़ेगा, जो बी है बी की भी वी थ्री लगानी पड़ेगी, बी की वी थ्री क्या बन जाएगी भाई बीन, क्या बन जाएगी बीन, और फिर हमें पैसिव के अंदर क्या लगाना होता है
पैसिव में हमें वैसे ही वी थ्री लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पे हेड है तो आप हेड लगा दीजिए, हेड के बाद इसने नोट लगाया तो आप भी नोट लगा दीजिए। अब देखिए इसने वी थ्री है तो पहले हमें बी की वी थ्री लगानी पड़ेगी। वी की वी थ्री क्या होती है? बीन। क्या होती है? बीन। और पैसिव के अंदर मेन वर्ब हमेशा किस में आती है? थर्ड फॉर्म में। एक चीज देखिए, जब हम कॉन्टिन्यूस कर रहे थे तब हमें मेन वर्ब क्या मिल रही थी? मेन वर्ब हमें मिल रही थी आई एन जी। परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब हमें क्या मिल रही है? वी थ्री। तो हम क्या कर रहे थे कॉन्टिन्यूस के अंदर? तो हम जो बी थी, बी को आई एन जी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? बी को आई एन जी, यानी कि बींग बना रहे थे। परफेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? बी को थर्ड फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। और देखिए जब हमें सिंपल बी की फर्स्ट फॉर्म मिल रही थी, यानी कि जब मेन वर्ब के रूप में हमें वी वन मिल रही थी, तब हम क्या कर रहे थे? बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, इज एम आर में चेंज कर रहे थे। और जब हमें बी की सेकेंड फॉर्म यानी कि वी टू मिल रही थी, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम वी को हम वोज या वर में चेंज कर रहे थे। बात समझ कुछ समझ में आया कंसेप्ट क्या है? कि जब हमें वी वन मिलती है, जब हमें वी वन मिलती है तब हम इस वी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगाते हैं, जब हमें वी टू मिलती है तब हम बी की सेकेंड फॉर्म वोज वर लगाएंगे, जब हमें थर्ड फॉर्म मिलती है तब हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, और जब हमें फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी फॉर्म मिलती है तब हम क्या लगाते हैं? बीइंग। इतना ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पर सारा यही कंसेप्ट है। अब आगे एग्जांपल देखिए, मैंने क्या लिखा कि दे हैड कुक फूड, वे खाना पका चुके थे, खाना बना चुके थे। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट है हमारा दे, हैड क्या है? हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? कुक्ड। और कुक की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड। देखिए हमने सीखा है मेन जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसे ताकि आपको ये याद हो जाए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लगाएंगे बाय, और बाय के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो देखिए क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? फूड है। देखिए नाउन के अंदर कोई चेंज नहीं होता, अगर प्रोनाउन होता फिर तो चेंज हो जाता फूड और फूड। तो अब क्या लगाएंगे? हैड। अब क्या लगाएंगे? बीन। देखो पैसिव बना रहा है तो बीन लगाएंगे, अगर एक्टिव होता है सीधा हम क्या करते? वी थ्री लगा देते। अब हम लगाएंगे क्या? वी थ्री। वी थ्री क्या है? कुक। अब क्या लगाएंगे? बाय। तो बाय या लगा दीजिए। बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? देखिए दे, लेकिन अब ये यहां पे आएगा मेन वर्ब के बाद आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। क्या हो जाएगा? देम। बात समझ में आई? इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना होता तब हम क्या करते? यहां पे नोट लगा होता तो सेंटेंस क्या बनता हमारा? दे हैड नोट कुक्ड फूड। इसका क्या बनाते हम? हम इस तरीके से बनाते कि वही हम फूड पहले लेके आते। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड दिए तो हम हेड लगा देते, हेड के साथ नोट दिए तो हम क्या करेंगे? नोट लगा देंगे। अब क्या करेंगे? अब बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन। देखिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब हेड को हम किस में चेंज करते हैं, देखिए हेड को किस में चेंज किया हमने? हेड बीन में, यानी कि हमें अब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब मिल गई। और जब हमें नोट लगाना हो तो हम कहां लगाएंगे? जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, देखिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगाना, बस यही आपको सिखाना चाहता हूं मैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड के जस्ट बाद क्या आ गया? नोट। कहीं आप ऐसा मत कर देना कि हैड बिन लिखकर फिर आप नोट लगाओ, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब आएगी वी थ्री। वी थ्री क्या है भाई? कुक। अब बाय। देखिए स्ट्रक्चर बोल रही है, मैं सिर्फ वैसा वैसा कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूं और आपने भी सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमने बाय लगा दिया, अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? दे। जब यहां पे आएगा वो क्या बन जाएगा? देम। बात समझ आई? तो ये हमारा नेगेटिव भी हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। देखिए सिंपल फ्यूचर के अंदर हमें क्या मिलता है? सिंपल फ्यूचर, देखो फ्यूचर के अंदर तो हमें पता है विल सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? विल सेल। और सिंपल फ्यूचर में हमें विल सेल प्लस वी वन मिलेगा। क्या मिलेगा? विल सेल प्लस वी वन। जब हमें इसे पैसिव में बनाना तो हम क्या करेंगे? विल सेल को एज इट लिखेंगे। हमें क्या लगाना है यहां पे? देखिए वी वन है। क्या है? वी वन। तो देखिए अब आपको मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं कि अक्सर हम आपने ये पढ़ा होगा कि मॉडल के साथ हम वी वन लगाते हैं, है ना, लेकिन ये गलत है।
एक्चुअली क्या होता है कि मॉडल के साथ हम बेस वर्ब लगाते हैं, जो बेस वर्ब होती है ना वो लगाते हैं, ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा, हम बोलते ही है कि मॉडल प्लस वी वन, एक्चुअली वी वन नहीं होता, वो मॉडल प्लस बेस वर्ब होता है, ठीक है। अब ये बेस वर्ब है इसलिए देखिए बेस वर्ब क्या है, बी है, बेस वर्ब क्या है, बी है, इसलिए हम मॉडल के साथ पैसिव में बी लगाते हैं, क्योंकि अगर ये वी वन होता तो वी वन के साथ अभी मैंने आपको बताया कि ईजीएमआर लगाते हैं, और वी टू के साथ हम क्या लगाते हैं, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब, और आईएनजी के साथ अभी मैंने आपको बताया कि बीइंग लगाते हैं, और वी थ्री के साथ हम क्या लगाते हैं, वी थ्री के साथ हम बीन लगाते हैं। लेकिन क्या मॉडल के साथ क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। देखिए बिल सेल के बाद हमने क्या यूज किया, बी की बेस फॉर्म यूज कर ली। अब देखिए पैसिव है तो पैसिव का मतलब ऐसा वी थ्री तो होता ही है, ठीक है। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव क्या बनेगा, वही जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है विल सेल, इसके बाद क्या लग जाएगा नोट, और विल सेल के साथ हमेशा एक्टिव में क्या आएगा, वी वन आएगा, तो इसका क्या बनेगा पैसिव। देखिए विल सेल तो विल सेल आएगा, और विल सेल के बाद क्या है नोट, तो यहां पर भी नोट आएगा। अब देखिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, पैसिव बना रहे हैं, विल सेल के साथ आती है बेस फॉर्म, तो हमें बी की बेस फॉर्म क्या होती है, बी ही होती है प्लस वी थ्री। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल कराने से पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि हमारे पैसिव वॉइस के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाइए टेलीग्राम पर और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप हमारे ग्रुप में जाइएगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये सब्जेक्ट, ये एच वी, ये V1, और ये V1 तो नहीं, ये बेस फॉर्म ही है, ठीक है, वर्ब लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और ये है ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिर्फ हमने फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, कुछ नहीं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ले आए आगे। और मैं प्रोनाउन चार्ट में आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया था यू और इट ऐसा है कि चाहे आपको सब्जेक्ट में मिले चाहे ऑब्जेक्ट में मिले, ये क्या रहेगा, यू ही रहेगा, क्या रहेगा यू, ये क्यों रहेगा वो भी आपको बता देता हूं कि तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में वो आता है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में वो आता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और पजेसिव केस में वो आता है जो अपने साथ कोई ना कोई नाउन देता है। जैसे देखिए यू, यू का पजेसिव क्या हो जाएगा योर, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा यू, तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी यू है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू है। इट का देखिए इट के साथ क्या होता है, इट, इट्स एंड इट, इसलिए जो यू और इट होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में क्या सेम रहता है, ठीक है। तो यू, अब यू के साथ क्या आएगा, विल या शैल, आपको पता है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या आता है, सिर्फ शैल आता है, और बाकी सभी के साथ क्या आता है, विल आता है। तो अब यहां क्या लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे विल, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, बी, क्या लगाएंगे बी, अब क्या लगाएंगे बी के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, टोट, क्या हो जाएगी टोट। अब क्या लगाएंगे, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, जब आई को हम वर्ब के बाद लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मी। देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव में तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लगाया। यहाँ पे क्या था, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में था इसलिए आई था, लेकिन यहाँ पे आई क्या बन चुका है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन चुका है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई, माई, मी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, मी। यहाँ पे वो सब्जेक्ट की भूमिका में था इसलिए हमने क्या लगाया, सॉरी ये आई, ठीक है। अब इसका नेगेटिव देखिए क्या लिखा मैंने, शी विल नॉट हेल्प मी, सब्जेक्ट क्या है सी, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए पैटर्न क्या कहता, पैटर्न कहता सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या है, मी, मी को जब मैं सब्जेक्ट के रूप में लगाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, आई, बात समझ आई। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था आई, और वी के साथ क्या यूज है, हम शैल यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, शैल, आई शैल। अब देखिए नेगेटिव है तो मुझे भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा,
अब मुझे बी लगाना पड़ेगा क्योंकि क्या मॉडल मॉडल के साथ बेस्ट फॉर्म आती है, तो बी की जो बेस्ट फॉर्म क्या होती है वो बी होती है। अब मैं लगाऊंगा वी थ्री, मेन वर्ब क्या हमारी हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प, हमें सिर्फ ईडी एड करना है इसके साथ हेल्प। अब क्या लगाऊंगा बाय शी, अब शी को मैं यहां लेके आऊंगा ऑब्जेक्ट की जगह एजेंट की जगह, तो वो क्या बन जाएगा हर, और नाउन चार्ट के अंदर मैंने अच्छे से बताया था आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में हमें फ्यूचर का मतलब विल और सेल, विल सेल तो हमें मिलेगा, ठीक है, परफेक्ट है तो हमें क्या मिल जाएगा हैव, और हैव के साथ हमेशा क्या आती है वी थ्री। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमने क्या करना है, ये ऐसी की ऐसी हमने लिखना है, विल सेल है तो विल सेल हम लगाएंगे, और हैव इसने दिया तो हैव भी हम ऐड कर देंगे। अब देखिए यहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा पैसिव के अंदर बी की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन होती है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहां पे बीन, उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसको हम क्या लगेंगे उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव कैसे बनेगा विल सेल, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है विल सेल ही है, तो यहां पर हम लगाएंगे नोट, हैव नॉट मत कर देना, विल सेल नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री, ठीक है। अब देखिए इसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, जो ही फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दीजिए विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव। अब हैव के बाद देखिए यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो पहले तो हमें बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बी की थर्ड फॉर्म क्या है बी की थर्ड फॉर्म है बीन, फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे शाम तक वो पोएम को सीख लेगी, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट तो हमारा सी है, विल हेल्प क्या है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लर्न वी थ्री है, द पोएम ये क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है ये हमें टाइम को बताता है, ठीक है। इसे छोड़िए एक बार इसकी बात करते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न क्या है पैटर्न होता है ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको पैटर्न तो याद हो गया होगा, पैटर्न क्या है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, आपकी ये जो पांच उंगली है ना इसी पर ये सारा पैटर्न है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वी थ्री। देखिए वी कितने नंबर पे आ रही है, थर्ड पोजिशन पे आ रही है, वन टू थ्री, इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म, फिर बाय फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट है द पोएम, तो हमारा यहां पे सब्जेक्ट क्या बन गया द पोएम। अब पोएम के साथ क्या आएगा भाई विल ही आएगा, ठीक है विल हैव, क्योंकि हमने सीखा ना विल हैव। अब देखिए यहां पे थर्ड फॉर्म है, तो पहले हमें बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बीन, और यहां पे मैंने आपको यही तो बताया था, देखिए है ना विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहां पे दी गई है वो क्या है लर्न, उसे उठा के यहां पे लिख दीजिए बस लर्न। अब क्या लगाएंगे बाय, बाय कौन है हमारा डूअर सी, सी जब यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा हर। अब जो टाइम हमें दे रखा था बाय इवनिंग वो लिख देते हैं, ठीक है समझ में। अब देखिए हम देखते हैं मॉडल वाला कि मॉडल का किस तरीके से बनता है पैसिव वॉइस। देखिए कोई भी मॉडल हो, मॉडल के साथ आपको क्या मिलेगी बेस फॉर्म मिलेगी, क्या मिलेगी बेस फॉर्म या बेस वर्ब बोल देता हूं मैं, बेस वर्ब मिलेगी। आपने क्या करना है मॉडल को लगाना है और बेस वर्ब किसकी, अब जो बी है ना बी की बेस वर्ब, बी की बेस वर्ब क्या होती है बी ही होती है, और हमें यहाँ पे बी ऐड कर देना है, पैसिव है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा वी थ्री लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगर हमें नोट लगाना पड़ता, यानी कि हमें नोट लगाना पड़ता तो हम क्या करते, हमें यहाँ पे मिलता मॉडल प्लस नोट प्लस बेस वर्ब। देखिए ये बेस वर्ब वही है वी वन, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब इसका हम किस तरीके से बनाएंगे, मॉडल को लिखेंगे एज इट, यहां पे मॉडल के बाद नोट था तो यहां पे भी मॉडल के बाद नोट लगाएंगे प्लस अब बेस फॉर्म लगाएंगे बी की, बी की बेस फॉर्म बी आ गई, अब वी थ्री लगाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे शी कैन
राइट इट, शी कैन राइट इट। सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है शी, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये क्या मॉडल बोल दीजिए चाहे से, ये हमारा मेन वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था यू और इट दो ऐसे प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमेशा सेम रहते हैं। तो यहाँ पे इट है तो सब्जेक्ट भी क्या रहेगा इसका, इट ही रहेगा, इट। अब क्या है मॉडल, तो मॉडल का मॉडल लिख दीजिए, मॉडल के बाद हमने क्या करना है, बी लगाना है, तो बी लगा दीजिए, और बी के बाद वी थ्री, वी क्या हमारी राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, क्या बन जाएगा रिटर्न, और रिटर्न के बाद क्या लगाना है, बाय, पैटर्न बोल रहा है मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है, और बाय के बाद एजेंट, एजेंट हमारा क्या है शी, जो सी यहां पे आएगी तो वो क्या बन जाएगा हर, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, यहां पे हमें नोट दे देता वो, और किस तरीके से बनता ये इट, फिर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन, कैन के बाद क्या लगा देते हम, कैन के बाद नोट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय प्लस हर। अगर आपको अफर्मेटिव बनाना आ जाता है तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों का खेल है, टफ क्या है, टफ है सिर्फ हमारे लिए अफर्मेटिव सीखना, आप अफर्मेटिव सीखिए उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आप यू चुटकियों में सीख जाओगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं टू की, कि टू के साथ जब वी वन आती है तो उसे हम किस तरीके से पैसिव में बनाते हैं। देखिए टू आपको किस तरह से मिलेगा, आपको कोई भी हेल्पिंग हो जैसे इज एम आर या वॉज वर या फिर हैज हैव या हैड, इनके साथ क्या मिल जाएगा, इनके साथ टू मिल जाएगा और टू के बाद मिलेगी आपको वी वन, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो ये टू है ना इस टू को एज इट लिखना है और टू के बाद लगाना है बी और बी के बाद क्या लगाना है V3, क्योंकि 2 को क्या चाहिए, 2 को V1 चाहिए तो 2 को हमने V1 दे दी, लेकिन पैसिव को क्या चाहिए V3 तो V3 दे दी। एग्जांपल देखिए, जैसे शी इज टू कुक फूड, क्या लिखा मैंने कि शी इज टू कुक फूड। अब देखिए हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट ये क्या है, ये हमारी वर्ब है, ये क्या है, ये हमारा HV आ गया, ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गया, ठीक है, टू इन्फिनेटिव, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, क्या बना हमारा फूड। अब क्या करेंगे, फूड सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, फिर क्या करेंगे टू लगाएंगे, टू के बाद बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बी। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कुक, क्या हो जाएगी कुक, और कुक के बाद क्या लगाना है हमें बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, जब वो यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा हर। दोबारा देखिए क्या क्या मैंने, हमें मिलेगा सब्जेक्ट इज एम आर वोज वर है जब हेड के साथ क्या मिलेगा टू, और टू के साथ हमें मिलेगी वी वन, और वी वन के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जब पैसिव बनाना है तब हमें इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा फूड, तो ऑब्जेक्ट हमने फूड ले लिया, अब फूड सिंगुलर है तो यहां पे हमने क्या रखा इज रखा। अब हमें क्या करना था कि टू बी अपनी तरफ से लगाना था, तो हमने टू बी अपनी तरफ से लगा दिया, टू बी के बाद हमें लगाना है वी थ्री, वी क्या थी, वी थी कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी कुक, कुक के बाद हमें लगाना था बाय, हमने बाय लगा दिया, उसके बाद हमें लगाना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था शी, जब वो यहां पे आया तब वो क्या बन गया हर। एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, जैसे अगर हो कि आई एम टू beat you, I am to beat you, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट ये है, ये हमारी वर्ब है, ये क्या है, ये HV है और ये सब्जेक्ट है। देखिए अब इसका क्या बनेगा, जैसे मैं यहां लिखता हूं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे यू, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है, यू के साथ क्या लग जाएगा आर, ठीक है। अब क्या लगाना है टू है, देखिए टू के साथ क्या लगाएंगे हम टू बी, और बी के बाद वी थ्री, वी क्या थी हमारी बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी बीटन, और बीटन के बाद यानी कि वी थ्री के बाद क्या लगाएंगे हम बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था आई, जब आई हमारा ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तब वो क्या बन जाएगा मी, तो क्या हमारा बना हमारा सेंटेंस कि यू आर टू बी बीटन बाय मी, बात समझ आई।
मुझे उम्मीद है कि जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा रिटन मटेरियल है, जो नोट्स वगैरह है, वो आप हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है अंग्रेजी वाला मास्टर मनीष, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी चैनल के बारे में आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी हमें सब्सक्राइबर की जरूरत है, सब्सक्राइबर अपने इधर ज्यादा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।